नमस्कार दोस्तों, सीए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। फसलों को जितने पानी की जरूरत होगी उतना ही पानी मिलेगा। साथ ही अब किसानों को सुबह जल्दी उठने तथा फसलों में पानी के लिए देर रात तक जागने और पानी की पाइप लाइन बदलने की जरूरत भी नहीं होगी। जी हाँ, चिड़ावा की निजी शिक्षण संस्थान डीवीएम के बाल वैज्ञानिकों ने एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें ये प्रोजेक्ट खुद ही नमी एवं तापमान को मापकर फसल को कितने पानी की जरूरत है या नहीं है ये खुद ही ऑटोमेटिक तय करेगा। गाइड टीचर अजीत सिंह की देखरेख में 5 बाल वैज्ञानिकों के द्वारा उक्त प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रज्ञा तिवारी व प्रीति शर्मा व आदित्य शर्मा व कपिल गजराज व अनिश कटेवा के द्वारा तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए एक वरदान स्वरूप साबित होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम एरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग सेंसर रखा गया है। गाइड टीचर अजीत सिंह ने बताया कि किसान की खेती की आर्द्रता यानी कि नमी एवं तापमान को मापकर अब कितने पानी की जरूरत है और कब नहीं है यह स्वयं जांच कर जरूरत के अनुसार पानी प्रदान करेगा। इससे पानी एवं बिजली की बचत होगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। किसानों की मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रखेगा। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 2 माह का समय लगा और इसे बनाने में कुल 2500 रुपए की लागत आई। हालांकि इसे अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। जोधपुर में सराहा गया प्रोजेक्ट, बाल वैज्ञानिकों को किया गया सम्मानित। प्रदेश में गिरते जल स्तर को लेकर सभी चिंतित हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए गिरते जल स्तर को बचाया जा सकता है, तभी तो इस प्रोजेक्ट को खूब सराहा भी गया है। जोधपुर स्थित व्यास इंजीनियरिंग कॉलेज में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के माइनिंग हेड मनीष गुप्ता ने ग्रुप लीडर प्रज्ञा तिवारी व प्रीति शर्मा को उक्त प्रोजेक्ट को लेकर पुरस्कृत भी किया। बाल विज्ञान कांग्रेस हेतु भी प्रोजेक्ट का हुआ सिलेक्शन। डीवीएम स्कूल के प्राचार्य आरके यादव ने बताया कि प्रोजेक्ट का 25वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हेतु चयन हुआ है। इन्होंने बताया कि उक्त प्रोजेक्ट नवलगढ़ में जिला स्तर के लिए चयनित हुआ, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर चयन हुआ तथा प्रदेश स्तर पर जोधपुर व्यास इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोजेक्ट को खूब सराहा गया। यहां से इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया गया है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उक्त प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम गुजरात के गांधीनगर में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। इसमें प्रोजेक्ट के ग्रुप लीडर एवं गाइड टीचर आदि भाग लेंगे तथा विद्यालय एवं प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं इस सफलता पर बाल वैज्ञानिकों को डालमिया शिक्षा समिति के सदस्यों ने सम्मानित भी किया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बाल वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा। इरिगेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग सेंसर्स। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम फील्ड में इरिगेशन करवाएंगे। जब क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, तभी उन्हें पानी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हमने इसमें 2 सेंसर्स लगाए रखे हैं। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है एंड ये ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये हम एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाएंगे, वो इससे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। ये हमने माइक्रो कंट्रोलर लगा रखा है, इससे जितनी भी डिवाइसेस हैं उसे कंट्रोल करेगा। और हमने इसमें कुछ सेटिंग्स कर रखी है कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ और ह्यूमिडिटी 30 पर क्यूबिक मीटर से लेस हुई, तभी हमारा मोटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये हमने कुछ मीन्स यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई लगा रखा है, जिससे कि हमारे पास जो सप्लाई है 220 वोल्टेज एसी की आएगी। सो ये एसएमपीएस है, वो 220 वोल्टेज एसी को 12 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करेगा एंड ये कनेक्टर्स के थ्रू ओवरऑल सर्किट में जाएगी करंट। ये हमारा यहाँ पे रिले है जो कि माइक्रो कंट्रोलर एंड मोटर पंप के बीच की स्विचिंग करेगा। ये प्रीसेट है जो एलसीडी पैनल, हमने 16:2 मॉड्यूल का यूज कर रखा है, 16 कॉलम्स एंड 2 रोज है इसमें। और ये डीपीडीटी स्विच है जिससे कि एलसीडी पैनल ये ऑन होगा, इसमें वाटर। सर अभी इसमें रीडिंग आई थी, इसमें ह्यूमिडिटी हमारा 95 हो गया, उस समय ह्यूमिडिटी 30 पर क्यूबिक मीटर से लेस थी। सो ये मोटर हमारा ऑन हो गया था एंड ये रेडी हो गया था क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। अब हमारा जब ह्यूमिडिटी इससे ग्रेटर हो गया तो ये अपने आप ही मोटर ऑफ हो गया, मैंने इसमें ह्यूमिडिटी इसकी इंक्रीज की। सो ऐसे ही वर्क करते हैं।
तो जैसा कि हम लोग देख सक रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद किसानों को ना केवल अपने आप पानी देने के लिए उनके पास समय उनकी समय बचत होगी, बल्कि उनके जितना जो उन लोगों की फसल है उसको जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी मिलने से उनकी फसलों की बढ़त भी होगी, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। उसके अलावा उन लोगों के पास जो कई किसानों के पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो जो उन लोगों को लेबर्स रखने पड़ते हैं उसकी भी उन लोगों की कॉस्ट कम होगी। अब लेबर्स उनको नहीं रखने पड़ेंगे जो इरिगेशन के लिए उन्हें रखने पड़ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको यूज करने से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिंस कई फार्मर्स बहुत ज्यादा देर तक मोटर चला देते हैं जिस वजह से पानी में जो हम लोग बोलते हैं उसे एल्गी उस पर जमा हो जाती है, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन कर पा रहे हैं। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है इससे पहले भी कई बार नेशनल में जा चुका है और ये डालमिया विद्या मंदिर के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे इससे पहले भी काफी अच्छा हुनर दिखा चुके हैं। इस बार इन्होंने जो है कई बच्चे हैं प्रज्ञा तिवारी एंड कपिल आदित्य एंड प्रीति है ना एंड ये गाइड टीचर मिस्टर अजीत सिंह है ना इज द फिजिक्स टीचर कम लैब असिस्टेंट। तो इनका एक पहले से आइडिया था, मोटो था कुछ ऐसा तैयार करें प्रोजेक्ट जिससे जो है किसान को फार्मर्स को कुछ बेनिफिट्स हो। तो इन लोगों ने पहले अपना एक आइडियोलॉजी तैयार की, उसके बाद सभी डालमिया ग्रुप के जितने साइंस स्टूडेंट्स थे सभी ने बैठ के एक अपना एक ग्रुप बनाया, उसमें प्लानिंग की। उसके बाद ये लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए किसान के लिए जिसमें कम पैसे में और मैक्सिमम प्रॉफिट्स हों उसके लिए। इस पर उन्होंने क्या किया, जितनी अनयूज मटेरियल्स होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जस्ट लाइक रेडियोज हैं मोबाइल्स हैं इनकी आईसीज वगैरह इन सब का यूज किया। इससे एक तो फर्स्ट थिंग इनको प्रोजेक्ट काफी सस्ता पड़ गया, सेकंड थिंग बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज्यादा इसको स्पेस भी नहीं चाहिए, पोर्टेबल प्रोजेक्ट है और जब भी फार्मर्स के पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग अपना इसको सेट कर सकता है, वो कहीं भी रख सकता है ले जा सकता है, जब भी उसके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग ले जाके अपना काम कर सकता है। डे टाइम में जनरली बाहर के काम भी होते हैं लोगों को अपने जा सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें लाइट का कंजेशन भी कम है, कई चीज ऐसी जो इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रहता है। तो ये डालमिया स्टूडेंट्स का जो है स्टार्टिंग से ही काफी टाइम से आई थिंक कम से कम पिछले 6-7 साल से ऐसा रहा है कि हर साल जो है बच्चों का ये नेशनल तक जाता है प्रोजेक्ट। इस बार होप करते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट नेशनल से ऊपर तक जाएगा। अभी हमारे 94 स्कूल से स्टेट लेवल पर जहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट होकर आया है, इसमें आउट ऑफ 94 30 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, उन 30 में भी फर्स्ट 6 प्रोजेक्ट में हमारा प्रोजेक्ट आता है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा गांधीनगर गुजरात में जाएगा दिसंबर लास्ट वीक में, और मैं होप करता हूँ कि प्रोजेक्ट और आगे जाएगा, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और फार्मर्स के लिए तो वेरी यूजफुल है, लो कॉस्ट लो टाइम लो कंजप्शन ऑफ लाइट्स बहुत सी चीजें हैं, कॉस्ट भी मैक्सिमम 2000 से ज्यादा नहीं कॉस्ट।